हेलो फ्रेंड्स, मैक विजी टेक इजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप इस लाजवाब ट्रिकी वीडियो में सीखेंगे बादशाह अकबर के नवरत्न, वो भी महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ, जिससे संबंधित हमारी परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अकबर के नवरत्नों को याद करने की यूट्यूब पर बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ इससे सरल, इससे आसान कोई भी ट्रिक नहीं होगी। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो अकबर के नवरत्नों को याद करने की जो बेहतरीन ट्रिक है वो है, तान मान फौजी वीर डरे अब्दुल अबू मुल्ला फ़कीर। तान मान फौजी वीर डरे अब्दुल अबू मुल्ला फ़कीर। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके रिमिंग वर्ड्स भी मिलते हैं, वीर और फ़कीर। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कविता टाइप में हो। तो तान मान फौजी वीर डरे अब्दुल अबू मुल्ला फ़कीर। अब दोस्तों, इस ट्रिक में जितने भी हमारे शब्द हैं उनको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे और हर शब्द का एक मतलब निकालेंगे, जो कि नवरत्न का नाम होगा। अकबर के नवरत्न में से एक नवरत्न होगा। तो सबसे पहले हम ट्रिक में देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है तान। तो तान से हम क्या समझेंगे, तानसेन। तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे तानसेन। और मैं इनके बारे में आपको एक फैक्ट बता दूँ, ये अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे और इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्रा या राम तनु पांडे, ये बचपन का इनका नाम था। अब दोस्तों, इसके बाद में ट्रिक में हम देख लेते हैं कि तान मान, तो मान, तो मान का मतलब यहाँ पे है राजा मान सिंह। क्या है, राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह के बारे में जो फैक्ट है वो आपको बता दूं कि ये अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। अकबर की जो सेना थी उसके ये प्रधान सेनापति थे। अब दोस्तों, इसके बाद में जो तीसरे नवरत्न है वो है फौजी। तो फौजी से हम समझेंगे फैजी, फौजी से हम समझेंगे फैजी। अब दोस्तों, फैजी के बारे में जो फैक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फैजी हैं वो अबुल फजल के भाई थे और अबुल फजल भी अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न है, जो कि मैं आगे चर्चा करूँगा। तो फैजी अबुल फजल के भाई थे। और फैजी के बारे में एक और भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो ये है कि फैजी ने लीलावती ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लीलावती ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया या लीलावती ग्रंथ का फारसी अनुवादक कौन है, तो आप उत्तर में फैजी लिखेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इससे प्रश्न ज़रूर पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अकबर के जो नवरत्नों में से जो अगले नवरत्न है हमारे ट्रिक में निकल के आ रहे हैं, तान मान फौजी वीर यानी कि वीर। तो वीर से हम समझेंगे बीरबल। और दोस्तों, बीरबल को कौन नहीं जानता है, हम सब लोगों ने अकबर और बीरबल के फ़नी किस्से बहुत ही सुने हैं, इनके बहुत ही फ़नी किस्से प्रचलित हैं, यानी कि हम लोगों ने अकबर और बीरबल के चुटकुले सुने हैं। तो बीरबल तो अकबर के बहुत ही करीबी और बहुत ही प्रिय नवरत्नों में से एक नवरत्न थे। अब दोस्तों, बीरबल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो क्या था वास्तविक नाम, आप लोग जानते हैं, गेस करिए। तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। और दोस्तों, अकबर के सलाहकार कौन थे, अकबर के सलाहकार भी बीरबल थे। तो ये दो जो फैक्ट हैं बीरबल के बारे में, आप इन्हें ध्यान रखना कि बीरबल का नाम जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था और बीरबल अकबर के सलाहकार थे। दोस्तों, हमारे ट्रिक में जो अगला शब्द है वो है डरे। तो डरे से हम समझेंगे यहाँ पे डरे यानी कि डर, यानी कि डरे डर डर डर। तो डर से हम समझेंगे टोडर, टोडर मल, तो राजा टोडर मल। तो डर से हमारे जो अगले नवरत्न है वो है राजा टोडर मल। और दोस्तों, ये इनके बारे में आपको फैक्ट बता दूं कि ये अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम इनके नाम पर राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान रखा गया है। इन्होंने भू राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी, ये ध्यान रखना दोस्तों आप। दोस्तों, इसके बाद जो हमारे ट्रिक में अकबर के महत्वपूर्ण नवरत्न का जिक्र हुआ है वो हम समझेंगे। तो डरे से, डरे के बाद में जो हमारा शब्द है ट्रिक में वो है अब्दुल। तो अब्दुल से हम समझेंगे अब्दुल रहीम खान ए खाना, यानी कि अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम के बारे में आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ कि रहीम एक प्रतिष्ठित कवि थे। और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना, ये अकबर के संरक्षक वैरम खान के बेटे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपने इसमें दो क्वेश्चन याद कर लिए।
अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो आप क्या कहेंगे? उत्तर में बैरम खान। और ये बैरम खान के बेटे थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब दोस्तों इसके बाद में जो अकबर के नवरत्न का जिक्र हुआ है हमारी ट्रिक में, वो है अबू। तो अबू से हम समझेंगे अबुल फजल। तो साथियों अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैजी के भाई हैं अबुल फजल। तो दोस्तों आगे बताने से पहले आपसे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चूँकि दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड किए हैं और अपलोड करता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों अबू से हम समझेंगे अबुल फजल। तो अबुल फजल के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वह मैं आपको बता देता हूँ कि अकबरनामा तथा आईने अकबरी, ये जो दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये अबुल फजल ने ही लिखी थी, इन्हीं की रचना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, पेपर में पूछा गया कि अकबरनामा के रचयिता यानी कि लेखक रचनाकार कौन है, तो ये हैं अबुल फजल। तो अकबरनामा और आईने अकबरी इन ये दोनों अब्दुल फजल की रचनाएं हैं, आप ये ध्यान रखना। दोस्तों इसके बाद में जो हमारी ट्रिक में अकबर के नवरत्न का जिक्र हुआ है वो है मुल्ला। तो मुल्ला से हम समझेंगे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला से क्या हम समझेंगे? मुल्ला दो प्याजा। और दोस्तों इसके बाद में जो हमारी ट्रिक में जिक्र हुआ है अकबर के नवरत्न का, वो ट्रिक में शब्द आ रहा है फ़कीर। तो फ़कीर से हम समझेंगे, फ़कीर से हम क्या समझेंगे? फ़कीर अजुद्दीन, फ़कीर अजुद्दीन। तो फ़कीर अजुद्दीन जो हैं इनके बारे में मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ कि ये अकबर के निजी चिकित्सक थे यानी कि हकीम थे। तो हम इनको इस रूप में भी जानते हैं, हकीम हुकाम इस रूप में भी जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये नवरत्न हो गए। आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ग्रुपों में शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।